अब मान लीजिए आपके पास एक क्वांटिटी एक्स गिवन है, आप उसमें पहले 20% का इंक्रीमेंट कर रहे हैं, देन आप जो अपडेटेड क्वांटिटी उसमें 30% का इंक्रीमेंट कर रहे हैं, देन फिर जो आपको जो क्वांटिटी मिलेगी आप उसमें 40% का इंक्रीमेंट कर रहे हैं। यानी यहां पर जो इंक्रीमेंट कर रहे हैं वो हम सक्सेसिव कर रहे हैं, पहले हमने उस एक्स क्वांटिटी में 20% का इंक्रीमेंट किया, देन 30% का, देन 40% का। तो क्या आप मुझे ऐसा बता सकते हैं कि उस ओरिजिनल क्वांटिटी एक्स में कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ होगा? अब देखिए यहां पर हमने सक्सेसिव इंक्रीमेंट किया है, 20% इंक्रीमेंट के केस में मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो जाएगा 1.2, 30% के केस में 1.3 हो जाएगा, 40% के केस में मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो जाएगा 1.4। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगा, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ जाएगा 2.148। यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि अगर आप उस एक्स क्वांटिटी में पहले 20% देन 30% देन 40% का इंक्रीमेंट करते हैं तो वो क्वांटिटी आपका अब हो जाएगा 2.184 टाइम एक्स। इसका मतलब अगर उस क्वांटिटी एक्स में आप पहले 20% देन 30% देन 40% का इंक्रीमेंट करेंगे तो वो क्वांटिटी एक्स आपका 2.148 एक्स हो जाएगी। अब यहां पर मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा? देखिए यहां पर चूंकि आपका इंक्रीमेंट हो रहा है तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो जाएगा आपका 2.184। यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहां पर ये अगर आप उस ओरिजिनल क्वांटिटी एक्स को इस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको अपडेटेड वैल्यू यहां पर मिल जाएगी। अब अगर हम आपसे ये पूछे कि यहां पर टोटल कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ, देखिए एक्स उस ओरिजिनल क्वांटिटी एक्स में पहले आपने 20% देन 30% देन 40% इंक्रीमेंट किया था, तो उस ओरिजिनल क्वांटिटी में ओवरऑल कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ ये आपको ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर देगा। तो ये निकालने के लिए आप क्या कीजिए, 2.184 में से पहले -1 कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 1.184, देन इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 118.4। यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि ओरिजिनल क्वांटिटी x में 118.4% का इंक्रीमेंट हो गया होगा। इसका मतलब अगर आप एक क्वांटिटी x ले रहे हैं उसमें 20 देन 30 देन 40% का इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो ओवरऑल उस क्वांटिटी x में 118.4% का इंक्रीमेंट हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, एक क्वांटिटी x सक्सेसिव इंक्रीज्ड बाय 20% देन डिक्रीज्ड बाय 40% देन 30% इंक्रीज्ड एंड 15% डिक्रीज्ड, इट गिव्स द क्वांटिटी y। अब इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन है आपका इफ क्वांटिटी x इज सक्सेसिव इंक्रीमेंट बाय 20% देन 40% डिक्रीमेंट देन 30% इंक्रीमेंट देन 15% डिक्रीमेंट, इट गिव्स क्वांटिटी y। अगर इस क्वांटिटी x में आप पहले 20% का इंक्रीमेंट करते हैं देन 40% का डिक्रीमेंट करते हैं देन 30% का इंक्रीमेंट करते हैं देन 50% का डिक्रीमेंट करते हैं तो आपको क्वांटिटी y मिल जाती है। इफ द सेम क्वांटिटी x we would have been successive 50% decrement, 40% decrement, 30% increment and 20% increment, we get z। अगर मान लीजिए इस क्वांटिटी x में आप 50% का डिक्रीमेंट देन 40% का डिक्रीमेंट देन 30% का इंक्रीमेंट देन 20% इंक्रीमेंट अगर आप करते हैं तो आपको क्वांटिटी z मिल जाती है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है फाइंड आउट y इज व्हाट परसेंटेज ऑफ z, y जो है वो z का कितना परसेंटेज होगा। अब देखिए हम ऑलरेडी आपको ये बता चुके हैं कि सक्सेसिव इंक्रीमेंट और सक्सेसिव डिक्रीमेंट में ये ऑर्डर मैटर नहीं करता है। इसका मतलब अगर आप पहले 40% का इंक्रीमेंट देन 20% का डिक्रीमेंट कर रहे हैं, अगर आप पहले 40% का इंक्रीमेंट देन 20% का डिक्रीमेंट कर रहे हैं, या अगर आप उस क्वांटिटी में पहले 20% का डिक्रीमेंट देन 40% का इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो आपका ये रिजल्ट सेम रहेगा। क्योंकि देखिए 40% का आपने इंक्रीमेंट किया तो 1.4x, 20% का डिक्रीमेंट किया तो ये हो जाएगा 0.8x। यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि वो क्वांटिटी क्या हो जाएगा, देखिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या हो जाएगा, 40% का आपने इंक्रीमेंट किया है 1.4, 20% डिक्रीमेंट किया 0.8, यानी मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो जाएगा 1.8 into 0.8। यहां पर देखिए 20% डिक्रीमेंट किया यानी 0.8 into 40% इंक्रीमेंट किया यानी 1.4, यहां पर भी मल्टीप्लाइंग फैक्टर आपका सेम रहेगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहां पर ऑर्डर मैटर नहीं करता है। तो जरा इस क्वेश्चन को देख करके हम डायरेक्टली आंसर ये कर सकते हैं, देखिए 20% इंक्रीमेंट, 20% इंक्रीमेंट, 40% डिक्रीमेंट, 40% डिक्रीमेंट, 30% इंक्रीमेंट, 30% इंक्रीमेंट, 40% डिक्रीमेंट, 50% डिक्रीमेंट। यानी हम ऐसा बोल सकते हैं y इज व्हाट परसेंटेज ऑफ z, 100%। डायरेक्टली हम देखकर बोल सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा y इज 100% ऑफ z बिकॉज़ y इज इक्वल टू z हियर। देखिए सबसे पहले हम y की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, y की वैल्यू क्या होगी, इसके लिए आप मल्टीप्लाइंग फैक्टर कैलकुलेट कीजिए। 20% से इंक्रीमेंट हुआ है 1.2 मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो जाएगा, 40% से डिक्रीमेंट हुआ है 0.6 मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो जाएगा, 30% से इंक्रीमेंट हुआ है 1.3 मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो जाएगा, 50% से डिक्रीमेंट हुआ है 0.85 यहां पर आपका मल्टीप्लाई फैक्टर हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, y की वैल्यू आप लिख सकते हैं 1.2 into 0.6 into 1.3 into 0.85 टाइम x।
ये आपका हो जाएगा y की वैल्यू। अब जरा z की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, आपने 50% से डिक्रीमेंट किया यानी मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो गया यहां पर 0.85, 40% से डिक्रीमेंट किया यानी मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो गया 0.6, 30% से इंक्रीमेंट किया यानी 1.3, 20% से इंक्रीमेंट किया यानी 1.2, यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि z की वैल्यू हो जाएगी आपका 0.85 मल्टीप्लाई 0.6 मल्टीप्लाई 1.3 मल्टीप्लाई 1.2 टाइम x। अब जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हैं यहां से क्या मिल जाएगा आपको, यहां से मिल जाएगा y is equal to z, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि y divided by z is equal to, देखिए y is what percentage of z, तो y divided by z into 100, तो आपका आंसर आ जाएगा 1 into 100, यानी आप ऐसा बोल सकते हैं एक दूसरे के 100% होंगे। तो इस एग्जांपल में जैसे कि आपको क्लियर है कि अगर आप सक्सेसिव इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर रहे हैं तो यहां पर उनका ऑर्डर मैटर नहीं करता है, आप किसी भी ऑर्डर में उसको कीजिए आपका आंसर यहां पर सेम ही रहेगा। अगर आपके पास एक क्वांटिटी y है, आप इस क्वांटिटी y में पहले x परसेंट का इंक्रीमेंट कर रहे हैं, देन x परसेंट का डिक्रीमेंट कर रहे हैं, देन देयर विल बी ऑलवेज अ लॉस। लॉस आपका क्या होगा, लॉस आपका होगा या डिक्रीमेंट आपका क्या होगा, डिक्रीमेंट आपका होगा x स्क्वायर बाई 100% का, ठीक है ना। इसका मतलब अगर आप एक क्वांटिटी में x परसेंट का इंक्रीमेंट देन x परसेंट का डिक्रीमेंट कर रहे हैं तो उस क्वांटिटी में ऑलवेज डिक्रीमेंट होगा और डिक्रीमेंट होगा x स्क्वायर बाई 100% से। अभी हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि सक्सेसिव इंक्रीमेंट और सक्सेसिव डिक्रीमेंट में ऑर्डर मैटर नहीं करता है। इसका मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर आप क्वांटिटी y में आप पहले x परसेंट का डिक्रीमेंट करें देन x परसेंट का इंक्रीमेंट करें तो देन देयर विल बी ऑलवेज अ लॉस, या तो आपका डिक्रीमेंट कितना हो जाएगा, डिक्रीमेंट हो जाएगा इस क्वांटिटी में x स्क्वायर बाई 100% से। एक एग्जांपल से इसको चेक करते हैं, मान लीजिए आपके पास एक क्वांटिटी 100 है, आप उसमें पहले 20% का इंक्रीमेंट कर रहे हैं देन उसमें 20% का डिक्रीमेंट कर रहे हैं, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ओवरऑल उस क्वांटिटी में आपका 20 स्क्वायर यानी 20 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100% का डिक्रीमेंट हो जाएगा। तो ये आपका इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 4, यानी उस क्वांटिटी में 4% का डिक्रीमेंट होगा। तो चेक करके आप देख सकते हैं, क्वांटिटी थी आपकी 100, आपने 20% का इंक्रीमेंट किया तो 20% का इंक्रीमेंट करने के बाद वो क्वांटिटी हो जाएगा आपका 120, क्योंकि 20% का इंक्रीमेंट अगर आप करेंगे तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो जाएगा 1.2, 1.2 into 100 is equal to 120, देन आप उस क्वांटिटी में 20% का डिक्रीमेंट कर रहे हैं तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो जाएगा 0.8, यानी 120 में आप 20% का डिक्रीमेंट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 24, यानी 120 - 24। अगर आप इस क्वांटिटी 120 में 20% का डिक्रीमेंट करेंगे तो डिक्रीमेंट हो जाएगा आपका 120 into 20 divided by 100 which is equal to 24, यानी आपकी जो क्वांटिटी आ जाएगी वो क्वांटिटी आ जाएगी आपकी 96, क्वांटिटी x थी। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि यहां पर आपका डिक्रीमेंट हुआ, डिक्रीमेंट कितने से हुआ है ये कैलकुलेट करने के लिए आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं 100 - 96 / 100, यानी आप ऐसा बोल सकते हैं इस क्वांटिटी 100 में आपका जो डिक्रीमेंट हुआ है, जैसे कि आप यहां पर चेक कर पा रहे हैं, आपने पहले 20% का इंक्रीमेंट किया था देन 20% का डिक्रीमेंट किया तो क्वांटिटी आपका 96 रह गई, तो यहां पर जो डिक्रीमेंट हो रहा है वो डिक्रीमेंट हो रहा है आपका 4%। मल्टीप्लाइंग फैक्टर से इसको कैलकुलेट करते हैं, आपने 20% का इंक्रीमेंट किया, 20% का डिक्रीमेंट किया, यानी नया मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो जाएगा 1.2 into 0.8, तो यहां पर अगर आप मल्टीप्लाइंग फैक्टर को कैलकुलेट करेंगे तो 1.2 into 0.8 is equal to 1.96, यानी मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज लेस देन 1, यानी आपका डिक्रीमेंट होगा, आप डिक्रीमेंट कितने से होगा ये निकालने के लिए आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं 1 - 0.96 which is equal to 0.04, यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि यहां पर अगर आप उस क्वांटिटी x में आपका जो डिक्रीमेंट हुआ होगा वो डिक्रीमेंट हुआ होगा 0.04 into 100, यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि 4% से उसमें डिक्रीमेंट हुआ होगा। मान लीजिए आपका 100 है, आपने 20% का इंक्रीमेंट किया वो हो गई 120, देन आपने उसमें 20% का डिक्रीमेंट किया तो 120 में 20% का डिक्रीमेंट हो जाएगा 24, यानी आपको वैल्यू मिल जाएगा 0.96। इसको आप इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि 20% का इंक्रीमेंट किया तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो गया 1.2, 20% का डिक्रीमेंट किया तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो गया 0.8, और 1.2 into 0.8 आपका हो जाएगा 1.2 into 0.8 which is equal to 0.96, यानी उस क्वांटिटी में आप 0.96 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको वो वैल्यू मिल जाएगा। देखिए वो क्वांटिटी हमने 100 ली हुई थी, यानी 100 में आप 0.96 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको 20% इंक्रीमेंट देन 20% डिक्रीमेंट के बाद वो क्वांटिटी आपका 96 रह जाएगी। तो जैसे कि आप यहां पर चेक कर सकते हैं वो क्वांटिटी आपका क्या रह गई, 96 रह गई। अब आप यहां पर ये चेक कर सकते हैं कि आपको क्या हुआ, डिक्रीमेंट हुआ, लेकिन डिक्रीमेंट कितने परसेंट से हुआ ये कैलकुलेट करने के लिए आप ये कैलकुलेट करने के लिए कि देखिए डिक्रीमेंट आपका कितने परसेंट से हुआ। तो देखिए ओरिजिनल क्वांटिटी थी 100, डिक्रीज होकर रह गई 96, यानी 100 - 96 /
100 into 100 इतने परसेंट का यहां पर आपका लो इतने परसेंट का यहां पर डिक्रीमेंट हुआ है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4, यानी इस क्वांटिटी में आपका 4% का डिक्रीमेंट हुआ है, 4% का यहां पर इस क्वांटिटी में डिक्रीमेंट हुआ। हमने क्या बोला था, अगर आप इस क्वांटिटी को x परसेंट से इंक्रीज करते हैं, x परसेंट से डिक्रीज करते हैं, तो आपका जो डिक्रीमेंट होगा या लॉस होगा वो x उसका बाय 100 से होगा। 20 से आपने इंक्रीज किया, 20 से आपने डिक्रीज किया, तो 20 उसका डिवाइडेड बाय 100 व्हिच इज इक्वल टू 400 डिवाइडेड बाय 100 व्हिच इज इक्वल टू 4%, यानी आपका जो डिक्रीमेंट होगा वो 4% से होगा। तो या तो आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, या डायरेक्टली फार्मूला लगा करके आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां पर देखिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर है 0.96 व्हिच इज लेस देन इक्वल टू 1, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि 1 माइनस 0.96 व्हिच इज इक्वल टू 0.04, यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि 0.04 * 100 व्हिच इज इक्वल टू 4, यानी यहां पर 4% का आपका डिक्रीमेंट हुआ होगा। तो इस मल्टीप्लाइंग फैक्टर की हेल्प से भी आप निकाल सकते हैं कि यहां पर आपका 4% का डिक्रीमेंट हुआ होगा। इसका मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर आपके पास एक क्वांटिटी y है, आप उसमें x परसेंट का इंक्रीमेंट कीजिए, देन x परसेंट का डिक्रीमेंट कीजिए, या फिर आप उसमें पहले x परसेंट का डिक्रीमेंट कीजिए और x परसेंट का इंक्रीमेंट कीजिए, तो वहां पर ऑलवेज डिक्रीमेंट होगा, और वो डिक्रीमेंट आपका होगा x स्क्वायर बाई 100% से। इसका मतलब अगर एक क्वांटिटी में आप 40% से इंक्रीमेंट करते हैं, देन 40% से डिक्रीमेंट करते हैं, या फिर आप उस क्वांटिटी में पहले 40% से डिक्रीमेंट करते हैं, देन 40% से इंक्रीमेंट करते हैं, तो वो क्वांटिटी क्या हो जाएगा, वो क्वांटिटी आपका हो जाएगा 1.4। देखिए इंक्रीमेंट किया है 1.4, देन आपने डिक्रीमेंट किया है तो 0.6, यानी व्हिच इज इक्वल टू, मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर है आपका लेस देन 1, तो हम ऐसा बोल सकते हैं डिक्रीमेंट निकालने के लिए आप उसको 1 माइनस 0.84 कर दीजिए, तो ये आपका आ जाएगा 0.16, और परसेंट निकालने के लिए आप क्या कीजिए, इसको 100 से गुणा कर दीजिए, आप ऐसा बोल सकते हैं कि उस क्वांटिटी में 16% से डिक्रीमेंट हो जाएगा। इसका मतलब अगर एक क्वांटिटी में आप 40% से इंक्रीमेंट देन 40% से डिक्रीमेंट, या फिर 40% से डिक्रीमेंट देन 40% से इंक्रीमेंट करेंगे, तो उस क्वांटिटी में ओवरऑल 60% से डिक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है ना। या फिर हमने जो फॉर्मूला बताया था, आप उससे भी कर सकते हैं कि आपका जो 40% से इंक्रीमेंट 40% से डिक्रीमेंट किया है, तो ओवरऑल डिक्रीमेंट होगा x स्क्वायर बाय 100% से। तो यहां पर आपने 40% से इंक्रीमेंट 40% से डिक्रीमेंट किया है, तो ओवरऑल डिक्रीमेंट होगा 40 स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था अगर आप x परसेंट से इंक्रीमेंट और x परसेंट से डिक्रीमेंट, या x परसेंट से डिक्रीमेंट x परसेंट से इंक्रीमेंट करते हैं, तो आपका ओवरऑल डिक्रीमेंट होगा x स्क्वायर बाई 100% से। तो यहां पर आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, x स्क्वायर यानी x की वैल्यू है 40, 40 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100% से यहां पर डिक्रीमेंट होगा। तो इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 1600 डिवाइडेड बाय 100, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 16%, यानी 16% से आपका डिक्रीमेंट होगा। तो आंसर निकल के आ रहा है 16% से आपका लॉस हो जाएगा। अगर वो क्वांटिटी आपका लेट से 100 है, तो लॉस तो 16% लॉस होने के बाद, देखिए अगर मान लीजिए वो क्वांटिटी आपका 100 है, तो वहां पर आपका 16% का लॉस होगा, तो 16% लॉस होने के बाद वो क्वांटिटी आपका 100 माइनस 16 व्हिच इज इक्वल टू 84, यानी वो क्वांटिटी आपका 84 रह जाएगी।